हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए स्माइल 3.0 कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट 8 फरवरी 2022 की अध्याय में आपको दिया हुआ है, गति एवं समय टॉपिक। ये आपको दोस्तों टॉपिक 1, 2, 3 लेसन से लिया हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों आपके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका उत्तर भी देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, असमान गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह गति असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, औसत चाल का सूत्र कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें चाल का मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वाहनों की चाल मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, टैकोमीटर। इससे वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापी जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, नियत चाल से गति कर रहे किसी वाहन का दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होगा? तो ये दोस्तों इसका फिगर बना हुआ है, इसको आप बना लीजिए अच्छे से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।